हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल सैनी साहब यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम जानते हैं NHDL से पैन कार्ड बनाना। तो हम जैसे गूगल क्रोम पे NHDL सर्च किया, जस्ट नीचे आएंगे और ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NHDL पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया, हम एप्लीकेशन टाइप के अंदर आएंगे और यहाँ पर न्यू पैन फॉर्म नंबर 49A फिल करेंगे और यहाँ पर इंडिविजुअल सर्च टाइप करेंगे। जैसे इंडिविजुअल चयन किया, यहाँ पे टाइटल में आएंगे। टाइटल के अंदर महिला, किसी महिला का बना रहे हैं तो श्रीमती आएगा, किसी पुरुष का बना रहे हैं तो श्री आएगा, किसी लड़की का बना रहे हैं तो आगे कुमारी आएगा। तो हम यहाँ पे लास्ट नेम फिल करेंगे। जैसे ही हमने महिला का बना रहा है श्रीमती चुन लिया, जस्ट लास्ट नेम के अंदर देवी चुन लिया, फर्स्ट नेम के अंदर हम उसका नाम चुनेंगे और मिडिल नेम है तो भरेंगे वरना हम खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ का चयन करेंगे। जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ का चयन किया, जस्ट आगे आएंगे और ईमेल आईडी फिल करेंगे और इसी ईमेल पर हमें पैन कार्ड मिलेगा। 1 से 2 घंटे के अंदर पैन कार्ड की फोटोकॉपी हमारी इस ईमेल पे आ जाएगी, तो हम वहाँ से प्रिंट कर लेंगे और पैन कार्ड हमारा 7 डेज के अंदर पोस्ट ऑफिस से अपने घर पहुँचेगा। जस्ट हमने मेल डाला और जस्ट आगे आएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे हमने मोबाइल नंबर डाला चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कैप्चा फिल करेंगे। जैसे ही हमने कैप्चा फिल किया, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। हम यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन पेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट नीचे आएंगे और जस्ट हम यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें 4 अंक आधार कार्ड के लास्ट 4 अंक डाल देने हैं। जैसे हम आधार के लास्ट 4 अंक डाले, जस्ट नीचे आएंगे, इसे यस करना है क्योंकि आधार की डिटेल्स ही हमें लेनी है उसके अंदर। तो जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें मेल फीमेल चुन लेना है और जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे हम जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे हम फादर्स नेम चुनेंगे। यहाँ पे हमें फादर्स नेम डालना है, जिसी का भी हम पैन कार्ड बना रहे हैं उसके पिताजी का नाम डालना है, लास्ट नेम डालना है। जैसे लास्ट नेम डाला, जस्ट आगे आएंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे और मिडिल नेम हो तो डाल दें, नहीं हम खाली छोड़ देंगे। अगर किसी का फर्स्ट नेम ही हो और सेकंड नेम लास्ट नेम नहीं हो तो हम लास्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम डाल देंगे और इन दोनों को हम खाली छोड़ देंगे। तो हम कंटिन्यू पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, जस्ट आगे आएंगे, यहाँ पे नो इनकम सेलेक्ट करेंगे और जस्ट नीचे आएंगे। हमें इनमें कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे हम STD कोड यहाँ पे इंडिया लगाएंगे, सेंट्रल कोड में हम इंडिया लगाएंगे। जैसे हमने इंडिया चयन किया, वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर आ जाएगा और ईमेल आईडी जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो ऑलरेडी आ जाएगी। तो हम जस्ट नीचे आएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये पेज ओपन हुआ, यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम राजस्थान चयन करेंगे। जैसे हम राजस्थान का चयन किया, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे, जैसे जयपुर है तो हमने जयपुर चयन किया। यहाँ एरिया ये कुछ नहीं भरना, हमें फेच पे क्लिक करना है। जैसे हमने फेच पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, इनमें से एक ऑप्शन हमें चुन लेना है। हमने यह चुन लिया और जस्ट ऊपर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जो खाली रह रहे थे बॉक्स वो ऑटोमेटिक फिल हो गए और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया, आगे आएंगे और यहाँ पे हम नाम के जस्ट नीचे हर सेल्फ चुनेंगे और यहाँ पे पहले से अपने गाँव का नाम डालना है। जैसे हमने गाँव का नाम डाला,
और समुद्र पे क्लिक करेंगे। जैसे समुद्र पे क्लिक किया और जस्ट हम आगे आएंगे और यहाँ पे हम आधार के प्रथम 8 अंक लिखेंगे। जैसे हमने 8 अंक डाला जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे हमने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो चेक कर लेंगे एक बार। जैसे चेक किया और जस्ट नीचे आएंगे, लास्ट में हम प्रोसेस्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसेस्ड पे क्लिक किया यहाँ पे हमारा ऑनलाइन पेमेंट मांगेगा, तो हम बिल डेस्क पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करके पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे पेमेंट पे क्लिक किया पेमेंट कंफर्म करेंगे। पेमेंट कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हम किसी से पेमेंट कर सकते हैं, हम क्यूआर कोड से काटेंगे। और यहाँ पे हम जैसे क्यूआर कोड मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, भीम सेलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट के क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्यूआर कोड आ जाएगा, इसे स्कैन करके हमें पेमेंट काट देना है। किसी भी फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी से भी हम पेमेंट काट सकते हैं। हम एटीएम से काट सकते हैं, यूपीआई से काट सकते हैं, नेट बैंकिंग से सभी से पेमेंट काट सकते हैं। तो हम इसे स्कैन किया और हमने फ़ोन पे से पेमेंट कर दिया। जैसे ही पेमेंट किया सक्सेसफुल होएगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है हमारी स्क्रीन पे शो होगा तो हम पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और अर्थमेटिक कीज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे कंटिन्यू विद केवाईसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ओटीपी आएगा जिसमें हमारे आधार में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं, उसी पे एक ओटीपी जाएगा। तो जैसे ही ओटीपी आता है हम ओटीपी फिल करेंगे। जैसे कि ओटीपी आ गया है तो हम ओटीपी फिल करेंगे। जैसे ओटीपी फिल किया और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ कंटिन्यू विथ ई सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। वापस हम यहाँ पे आधार अंक डालेंगे। जैसे हमने आधार अंक डाले और जस्ट ऊपर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक किया एक ओटीपी जाएगा आधार में जुड़े हुए मोबाइल नंबरों पे और यहाँ पे हम ओटीपी फिल करेंगे। जैसे ओटीपी आता है तो हमने ओटीपी फिल किया और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा ओटीपी वेरीफाई हो गया, सक्सेस हो गया। हमारे पास एक पीडीएफ जनरेट होगी, हम इसमें अब उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे 1195 है तो 1/1/1995 डालेंगे और ये फॉर्म फिल ओपन हो जाएगा। तो हमारा पैन कार्ड सक्सेसफुल हो चुका है। हमारी मेल पे इस पेमेंट की रिसिप्ट की पीडीएफ आ गई है। हम वह पीडीएफ ग्राहक को निकाल कर दे देंगे और 1 घंटे के अंदर हमारी मेल पे इस पैन कार्ड की पीडीएफ आ जाएगी ओरिजिनल, और 7 डेज के अंदर पोस्ट ऑफिस से आधार में जो एड्रेस है उस पे ये पैन कार्ड पहुंचा दिया जाएगा। तो हेलो गाइस, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाएं।